हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मित्रों, आज हम एक केस टेकिंग के बारे में हम बात करेंगे। एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने भी लिखा है और हमारे एक पेशेंट है, उन्होंने भी लिखा है। तो मैंने बोला कि चलो आज उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट है और हमारे जो पेशेंट है ये रोग के बारे में एजुकेट हुए। दोनों का एक ही सवाल है कि सर, ये ठंडी की ऋतु में पेशाब में जलन होना, बार बार यूरिन रात को जाना पड़ता है, शरीर दुखता है, तो इसका क्या कारण है? और हमारा जो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, उन्होंने भी बोला है कि सर, क्रॉनिक पाइलाइटिस और नेफ्राइटिस के बारे में आपको डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज मैंने बोला कि चलो ये दो स्टडी हो जाता है, स्टूडेंट के लिए भी नॉलेज हो जाए और पेशेंट के लिए एजुकेशन मिल जाए, तो आज इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मीन्स मूत्र नली में इन्फेक्शन हो जाना। तो सबसे पहले हम उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो मूत्र नली, मूत्र प्रणाली है, इसमें सबसे पहले किडनी आता है और किडनी में से दो नली निकलता है। आप फिगर में देख सकते हैं, ये किडनी है, इसमें से दो नली निकलता है जिसके यूरेटर बोलते हैं, जो मूत्रमार्ग की नली बोलते हैं। ये नली नीचे ब्लेडर है, मतलब मूत्राशय में इकट्ठा होता है। जो किडनी में से यूरिन निकलता है ये मूत्राशय में कलेक्ट करता है, और मूत्राशय के नीचे यूरेथ्रा होता है। जैसे ये हमारे पेशाब की नली बाहर होता है और मूत्र आउटसाइड यूरिन फेंकता है, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग इन्फेक्शन होता है। सपोज किडनी में होता है उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और ये इन्फेक्शन जो ब्लेडर में चले जाता है तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, और जो खाली पेशाब की नली का दर्द बोलता है तो उसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन है, पर ये सब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और ये बच्चों को भी होता है, बड़े लोगों को भी होता है, ओल्ड उमर को भी होता है, यंग एज को भी होता है, और लेडीज को ज़्यादातर खास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। और इससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बनता है। ऐसे छोटा रोग है पर कई बार जो आधुनिक प्रणाली की जो दवाइयाँ है कई बार रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो ये बार बार और क्रॉनिक यूटीआई इन्फेक्शन लेडीज में 10 लोगों से 3 लोगों को से 4 लोगों में रहता ही है, और इससे लेडीज को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी रहता है। पर जो आप साथ में होम्योपैथिक दवा लेते हैं और हमको ये होम मेडिसिन भी बताएंगे, वो जो करेंगे तो उनके लिए बहुत लाभदायक है और कम्प्लीटली क्योर भी हो जाता है। तो इसका क्या कॉज है? तो सबसे पहले तो ई कोलाई बैक्टीरिया इज द वन ऑफ द कॉज। दूसरा नंबर का जो है, जो हमारा यूरिनरी पार्ट है, जेनाइटल पार्ट है, ये प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते हैं, तो कई बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस मेल या फीमेल में रहता है, ज़्यादातर फीमेल में रहता है, क्योंकि हमारा जो गुप्त अंगों का पार्ट प्रॉपरली वॉश नहीं होता है, कपड़ा जो खराब होता है, तो बार बार इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। थर्ड थिंग, प्रेगनेंसी होता है तो प्री प्रेगनेंसी में भी यूटीआई रहता है, पोस्ट प्रेगनेंसी में रहता है, और टाइम ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी यूटीआई इन्फेक्शन रहता है। जिसको हाई डायबिटीज होता है उसको भी बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। जो लोग एनीमिक है और पोस्ट ऑपरेशन किया है उनको भी ये कॉम्प्लिकेशन यूटीआई इन्फेक्शन का रहता है। जो लोग मैरिड, यंग कपल मैरिड है, बार बार सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो भी उनको यूटीआई इन्फेक्शन रहने का चांस रहता है। तो ये जो कई बार दवा की वजह से भी होता है, कई बार कोई फूड होता है, फूड की वजह से भी ये यूटीआई इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो जो सारा है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे पहले जो यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशाब में हल्का दुखावा होता है और जलन होता है पेशाब में, और पेशाब बार बार जाना पड़ता है, और पेशाब बार बार जाने से पेशाब की जो नली होता है इसमें किसने कोई सुई भोंकती हो, ऐसे कीड़ी चटती है, ऐसा उसको सेंसेशन होता है। कई बार एक पार्ट लाल भी हो जाता है, इससे दर्दी को बुखार भी आ जाता है, दर्दी को ठंड भी लगता है, बॉडी एक होता है, दर्दी को नौशिया होता है, पेट में सख्त दुखा होता है,
कई बार कोई इतना खींचता है जैसे प्रेगनेंसी होगा यो, ऐसा उनको लगता है। चलो प्रेगनेंसी में तो बच्चा हो जाता है, पर यूटीआई इन्फेक्शन में तो ऐसा कोई संभावना नहीं होती है, पेन ही सहन करने को होता है। और पेन इतना असह्य होता है और इतना इंटेंसिव होता है, उसको इमरजेंसी में कोई डॉक्टर के पास जाए वगैरह छुटको ही नहीं होता है। ये यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है, और यूटीआई से जो कॉम्प्लिकेशन बनता है, जो से स्टोन होता है, या कई बार किडनी फेलियर होता है, एक्यूट फेलियर या क्रॉनिक फेलियर में भी यही से कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी इंटेंसिव पेन आता है। दर्दी को मेंटली फटिक लगता है, डिप्रेशन हो जाता है, गुस्सा करता है, सारा शरीर का जॉइंट हो जा दुखने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है, भूख नहीं लगती है, खून में आयन की कमी हो जाती है, और कमर सीवियर दर्दी को दुखता है, थोड़ा भी हलन चलन करे तो उसको असह्य पेन होता है, और हाई ग्रेड फीवर रहता है, फीवर के साथ ठंड भी लगता है, और रुवाटा भी खड़ा हो जाता है दर्दी को लगता है। ये सब सारे जो सिम्टम्स होता है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में के कारण होता है। इसकी कैसे मालूम पड़े दर्दी को, तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको रूटीन यूरिन कराते हैं, पेशाब की जांच कराते हैं। सेकंड, दर्दी को ब्लड में कल्चर कराते हैं कि भाई कौन सी दवा यूज होता है। जो इसे मालूम नहीं पड़ता है तो अल्ट्रासोनोग्राफी है, सिस्टोस्कोप है, सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है। कई बार किडनी का क्या पोजीशन है, किडनी छोट हो गई है, किडनी बड़ी हो गई है, ये सब आगे और सेकेंडरी जब डॉक्टर बोलते हैं तभी कराना पड़ता है। और प्राइमरी यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो कॉमन दवा से मिट जाता है, पर बार बार होता है तो उसकी जांच जरूरी होता है। इसे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है, तो सबसे पहले जो ब्लेडर में बार बार सिस्टाइटिस हो जाता है तो ब्लेडर की वॉल वीक हो जाती है, कई बार यूरिन ठहरता नहीं है, लीकेज हो जाता है, कई बार प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी हो सकता है, कई बार यूरिनरी स्ट्रिंचर हो जाता है, कि हमारी जो मूत्र नली है वो स्टिक हो जाती है, चौंट जाती है, जिसको स्ट्रिंचर ऑफ यूरेथ्रा भी बोलते हैं। तो दर्दी को बार बार उसको डायलेट करना पड़ता है, तो इसे भी उसका बहुत कॉम्प्लिकेशंस बनता है। कई बार यूरिन वापस जाता है, उसको रिफ्लेक्ट ऑफ यूरिन बोलते हैं, तो वापस यूरिन जाने से किडनी भी फेलियर होने का चांसेस रहता है। और कई बार सोनोग्राफी कराते तो ब्लेडर में दिखते हैं कभी रेसिडुअल यूरिन, ये रेसिडुअल यूरिन भी बढ़ता है, और ज़्यादा यूरिन होता है रिफ्रैक्ट होता है, वापस जाता है, वापस जाता है तो किडनी पर दबान करता है, तो किडनी फेलियर होने का भी चांसेस रहता है। तो जब भी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए तो तुरंत आप जांच कराना चाहिए और इसके लिए ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। दर्दी को क्या करने का है, होम मेडिसिन में उसको पेट की गर्मी के कारण जो यूटीआई इन्फेक्शन रहता है तो ब्लैक किशमिश, शक्कर और जो सौंफ होती है उसको भिगो के सुबह में लेना चाहिए, पुष्कर प्रमाण में पानी लेना चाहिए। आप खोटी कोई दवा लेते हैं क्या, कोई पाउडर लेते हैं हेल को ठीक रखने के लिए, तो ये गर्म तो नहीं पड़ता है, तो इसका भी कारण हो सकता है। सर्दी में हम ज़्यादा पाक खा लेते हैं और कुछ ऐसा अदरक का जूस ज़्यादा लेता है, तो इससे भी यूटीआई इन्फेक्शन रहता है। कई बार हम कोई दवा चेंज किया हो डॉक्टर, और इसके लिए भी यूटीआई इंफेक्शन। देयर इज अ सो मेनी कारण, तो आपको ये कारण को जानना चाहिए और उसको रिमूव करना चाहिए। होम्योपैथिक में पास्ट बेस्ट मेडिसिन है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले कैंथारिस नाम की दवा है, ये मास्टर ड्रग्स है, 10 पेशेंट में से 3 लोगों को कैंथारिस दवा देते हैं तो यूटीआई में इज अ ग्रेट मेडिसिन। ज़्यादा इन्फेक्शन्स होता है, दर्दी को बर्निंग होता है, पेट में खिंचाव होता है, दर्दी बूटी से पेट के आजू बाजू अंगों में प्रेसरण पामता है, दर्दी को ठंड लगता है, भूख नहीं लगती है, अशक्ति लगता है, स्वेलिंग लगता है, पेशाब रुक रुक के आता है, और बार बार उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में जब पसेल आता है तब हम कैंसारी दवा देते हैं। सेकेंड नंबर की दवा जो है ये बल्बारिस वल्गारिस है, ये दवा किडनी स्टोन होता है या आपको किडनी में या यूरेटर में या ब्लेडर में कहीं भी स्टोन होता है तो ये स्टोन को डिजॉल्व करता है, स्टोन को फाड़ देता है, फिर से स्टोन नहीं बनता है, स्टोन की जो फॉर्मेशन है वो रुक देता है,
किडनी को स्वस्थ करता है, ब्लैडर की दीवार को भी स्वस्थ करता है और हेल्दी करता है। जिन लोगों को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो या जिनको ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम हो या सिस्टाइटिस बारंबार रहता है, तो उनके लिए ये बल्बारीज वल्गारीज इज अ ग्रेट मेडिसिन। थर्ड नंबर की दवा है लाइकोपोडियम। जो यंग कपल होता है वो न्यूली कपल होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी उनके लिए ज़्यादा होती है और बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, उनको भूतकाल में लीवर कोई डिजीज़ हुआ हो या लीवर के कोई जॉन्डिस हुआ हो और यूरिनरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट रहता है, कई बार किडनी वीक पड़ जाती है, दर्दी को वीकनेस लगता है और गैस्ट्रल प्रॉब्लम रहता है, शाम जब आती है 4 से 8 तक सब सिम्टम बढ़ता है, दर्दी को वीकनेस फील करता है, तब आप लाइकोपोडियम का उपयोग कीजिए। लाइकोपोडियम यंग कपल के लिए इज अ वरदान युक्त दवा है, ये दवा का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ नंबर की दवा है कैल्क्युलिया रनालिस। ये दवा हमारे यूरिन ट्रैक में कहीं भी स्टोन होता है और स्टोन बारंबार फॉर्मेट होता है, पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी फिर से स्टोन हो जाता है, दर्दी 2-3 बार ऑपरेशन करता है तो भी स्टोन की जो फॉर्मेशंस बननी होता है, स्टोन कई बार 4 से 8 मिलीमीटर से 14-15 मिलीमीटर होता है, तो भी ये स्टोन को दूर करने के लिए बहुत अमोघ मेडिसिन है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दर्दी को जो जिसको यूटीआई स्टोन होता है, फाउल स्मेल आता है, बारंबार यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन में खून पड़ता है, तो ऐसा दर्दियों को ये दवा लेना चाहिए। लास्ट जो दवा है बेलाडोना। कई बार दर्दी को एक्यूट प्रॉब्लम हो जाता है, कोई खुराक खाने से पेशाब में जलन हो जाता है या कुछ पाक खाने से, अभी ठंड ऋतु में हम अलग अलग ठंडी के बचने के लिए या इम्यून बूस्टर के लिए हमारे घर में पाक बनता है, वो पाक खाने से भी कोई गर्मी पड़ता है और वारम यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, इवन दो आप मेथी के दाने खाते हैं तो यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब ये गर्म पड़ता है तो तब आप ये बेलाडोना का उपयोग करना। एक्यूट पाइलाइटिस या फूड रिलेटेड जो भी यूटीआई इन्फेक्शन रहता है, इसमें उसका अमुक रोल है। ये सब 5 होम्योपैथिक दवा है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 2-3 महीना आप लेते रहो, आप यूटीआई इन्फेक्शन से जरूर बचोगे, आपका किडनी भी हेल्दी रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।